आज हम लेके आए हैं आप सभी किसान भाइयों के लिए धनिया की खेती की संपूर्ण जानकारी। आइए आज देखते हैं कि धनिया की खेती करके किस तरह से आप लाभान्वित हो सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका मित्र केएन मौर्या और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे किसानों का फोन आ रहा है धनिया की खेती के लिए। धनिया चूंकि अभी फरवरी में लगेगी, फिर मार्च में भी लोग लगाएंगे, और बहुत कम किसान ऐसे हैं जो अप्रैल में भी लगाते हैं। अप्रैल में लगाने के बाद मई जून में जो धनिया कटती है उसका रेट आपको 100-125 रुपए किलो से ऊपर का मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे किसान लाभान्वित होते हैं। आज हमारे साथ ऐसा ही एक युवा किसान है जो धनिया की खेती करते हैं। धनिया की खेती में बीज का बड़ा महत्व है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस धनिया की खेती में ये धनिया मैंने ले रखी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी चौड़ी पत्तियां इतना बढ़िया हो जाने के बाद भी इसमें फुटाव नहीं है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे धनिया के बीज होते हैं जो छोटे पत्ते से ही फूट जाते हैं, जिससे किसान को सही रेट नहीं मिल पाता है। धनिया के किसान हैं आप, तो आइए बात करते हैं कि धनिया की खेती कैसे होगी। अभी जो खेती करेंगे आप धनिया की, प्रयास ये करिएगा कि भूमि चयन करते समय हमेशा ये प्रयास करें कि जल निकासी की सुविधा जो है वो समुचित होनी चाहिए, क्योंकि यदि धनिया की खेती में पानी लग जाता है तो आपकी पूरी धनिया खराब हो जाएगी। तो जल निकासी की बढ़िया सुविधा हो, गोबर की अच्छी खाद, वर्मिंग कंपोस्ट, सलरी, इन सारी चीज़ों को मिला करके रासायनिक खादों का प्रयोग जितना कम करें उतना ही बेहतर होगा। तो आइए बात करते हैं अपने युवा किसान से। नमस्कार। नमस्कार, अपना परिचय बताइए। सर मैं अजय कुमार मौर्य, ग्राम झुंगरपट्टी, पोस्ट मार्किनगंज, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं। कितने दिनों से खेती कर रहे हैं? मैं सर खेती करते हुए हमको नियर अबाउट 20-25 साल हो गए। 25 साल हो गए जी। अभी धनिया की यदि बात करूं मैं, तो धनिया की खेती कितने सालों से कर रहे हैं? धनिया की खेती नियर अबाउट 10 वर्षों से हम कर रहे हैं। धनिया की खेती 10 वर्षों से कर रहे हैं जी। खेत की तैयारी कैसे करते हैं किसानों को बताइएगा। खेत पहले, सबसे पहले हम अपने मतलब धनिया बोने से पहले हम अपने खेत को अच्छी तरह मतलब जुतवा कर, उसमें से जो भी मतलब घास फूस है उसको अच्छी तरह निकाल कर और खेत को भरभरा बनाकर, मतलब एक मतलब ऐसा ना हो कि मतलब कचटा रहे, खेत एकदम भरभरा रहे। फिर इसके बाद हम मतलब मंडे में 1 किलो बीज यूज करते हैं धनिया का। अच्छा, यानी एकड़ में बीज की मात्रा कहूँ तो एकड़ में हमारे यहाँ जो है 16 मंडे का एक एकड़ होता है, यानी 16 किलो हाँ बीज लगेगा, प्रति एकड़ बीज लगेगा। अच्छा, बीज की हम बात करें तो बहुत सारे किसानों को अलग अलग बीज हमारे यहाँ भी प्रचलित हैं। अभी जो आपने ये बीज लगा रखी है ये किस कंपनी का है? ये इंसिग्निया सीड्स का है और इस वैरायटी का नाम है सुगंधा 10। सुगंधा 10 जी। अच्छा, ये तो आप अब ये मई में भी लगेगी? हाँ लगेगी, ये अप्रैल और मई में हाँ लगेगी। उस समय की खेती में और अभी अभी पहले बात करें, ये धनिया आपने कब बोई थी? नवम्बर में बोया था जी। 1 एकड़ से धनिया का उत्पादन कितना हो जाता है? ये सर थोड़ा सा हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब काटते गए आप, बेचते गए? बेचते गए। अच्छा, ये जो धनिया आपने लगाई है, जैसे धनिया में भी आपने देखा होगा, आप तो मैं देख रहा हूँ ये पूरा उखाड़ के बेचते हैं, बहुत लोग कटिंग करके बेचते हैं। तो मल्टी कट धनिया है। अच्छा, ये मल्टी कट, मतलब इसकी कटिंग भी हो जाएगी? कटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं किसान। ये अच्छी बात है किसान भाइयों कि आप यदि इसको काटना चाहें तो ये काट करके भी बेच सकते हैं। ये कई टाइम, चूंकि सर हमारे यहाँ मतलब ऐसे मल्टी कट में नहीं लेते हैं लोग, सोर सही थी लेते हैं। हमारे यहाँ चूंकि गाजीपुर की जो मंडी है, गाजीपुर जिला वाली, गाजीपुर दिल्ली वाला गाजीपुर नहीं, यहाँ जो है हमारे यहाँ सोर सहित, देखिए आप तो सोर सहित ही यहाँ बिकती है, जड़ सहित ही बिकती है, मल्टी कट नहीं होता है, तो इसे मल्टी कट भी आप बेच सकते हैं कोई अच्छा, दिक्कत नहीं। अजय जी एक चीज और बताइए कि अप्रैल में जैसे अभी आपने बोया था तो 16 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डाला था जी, ठीक ना, कितने दिन में जर्मिनेशन मिल जाता है इसका? जर्मिनेशन नियर अबाउट आपको 15-20 दिन के अंदर में आएगा। 15-20 दिन में। धनिया बोते समय जब आप धनिया बो लेते हैं जी, ऊपर से इसको छींटते हैं तो उसके ऊपर भी हल चलाते हैं? नहीं, ऊपर से जैसे हमारे यहाँ पाचा होता है। अच्छा, पाच ऐसे बने होते हैं? बने होते हैं, भूसा वगैरह, या कुदाल से हम लोग हल्का हल्का मिला, ज्यादा अंदर चल जाएगा तो दिक्कत होता है थोड़ा जर्मिनेशन। 2 इंच? हाँ, 1-2 इंच। 2 इंच? 1-2 इंच से ज्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। धनिया की खेती में किसान भाइयों इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा,
यदि आप धनिया की खेती करके यदि हल से चलवा देंगे तो वो ज्यादा नीचे चला जाएगा, ज्यादा नीचे, तो जर्मिनेशन कम मिलेगा, जर्मिनेशन नहीं आ पाएगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा। अच्छा, इस धनिया की खेती में रोग वगैरह के आने की संभावना? नहीं सर, इसमें यही क्वालिटी है। अच्छा, हाँ, इसमें कोई रोग नहीं? नहीं, रोग मतलब रोग के प्रति प्रतिरोधक है, मतलब कोई प्रकार का रोग नहीं, ना फूटना है ना ज्यादा पीला होना है। अगर मान लीजिए मैं भी अगर आप घना भी बो देते हैं तो बहुत सी धनिया होती है कि पीला होने लगती है। हाँ। अच्छा, पानी ज्यादा लग गया तो भी पीला होने लगती है, तो इसमें सहन शक्ति है इतना कि मतलब। अच्छा। हाँ, मतलब कई सालों से आप कर रहे हैं तो ठीक है आपके हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज, कितने दिनों में ये, जैसे आज आपने बोया, 20 दिन तो लगेंगे जामने में, ठीक, जर्मिनेशन के कितने दिन बाद या फिर बुआई के कितने दिन बाद किसान इसको काट के खेत में? 90 दिन के बाद आप काट सकते हैं इसको। 90 दिन में? हाँ, काट लेंगे, मार्केट में लेके, मार्केट में ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी, मतलब एक कल्ला नियर अबाउट इसका अगर आपने मतलब सही से वजन करेंगे तो नियर अबाउट 50 ग्राम तक होता है। हाँ, ये देखें आप, ये कल्ला हमने लिया है धनिया का, ये बहुत ही बढ़िया है, वजन भी है इसमें और बहुत बढ़िया है। अच्छा किसान भाइयों, ये जो बारिश की धनिया करेंगे या अभी जो धनिया की खेती करेंगे उसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जल निकास की बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था हो, क्योंकि इस बार मौसम चूंकि ख़राब रहा है और कई बार लगातार बारिश होती रही है, 2 दिन पानी बरस गया और ज़्यादा यदि पानी लग जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। और भी प्रयास करिए कि धनिया में वैसे भी फर्टिलाइजर कम लगते हैं, बहुत कम फर्टिलाइजर लगता है, गोबरी खाद डाल करके खेती करें। और भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पे 9236 1147 11 पे फोन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ठीक है, थैंक यू।